Now I'm dizzy. I like this feeling. Taro! तो जो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करता हूँ उन लोगों को ऑलरेडी पता हुआ होगा कि आज क्या हुआ था। I'm good, how are you? Ladies and gentlemen. Yo, so welcome back to my vlog. मेरा नाम है सचिन सिंह रावत और भैया सुबह हो रही है अभी, बिल्कुल सुबह सुबह हो रही है, 6:30 बजे होंगे शायद। और देख रहे हो तुम, झाड़ू वाड़ू लग रहा है एकदम सुबह सुबह ही। और आजकल अच्छी आदत डाल दी है तुम्हारे बाबा ने फिर से जल्दी उठने की, चाहे से नींद पूरी हो ना हो। और अभी हम नीचे इस रीज़न के लिए आए हैं क्योंकि डैमी को थोड़ी प्रे करनी है। यू वॉन्ट टू प्रे, राइट? सबसे बढ़िया चीज़ जो लॉबी में लगती है वो है, वेयर इट इज, हाँ, सबसे बढ़िया चीज़ जो तुम्हारे बाबा को लॉबी में लग रही है वो है ये भैया। ये चेयर इज सुपर कंफर्टेबल एंड सुपर फन। आई कैन डू दिस होल डे बट देन आई नो व्हाट्स गोना हैपन। वेट फॉर इट। Now I'm dizzy. I like this feeling. हर जगह मेहनत चल रही है और तुम्हारे बाबा को बात करने में पसीना आ गया। वो वाला एरिया नहीं दिखा सकता वरना तुम नाम पढ़ लोगे कहाँ पे रहता हूँ मैं। बाकी एक दो लोगों ने ऑलरेडी गैस कर लिया है मैं कहाँ पे रह रहा हूँ, पर अब कोई टेंशन वाली बात नहीं क्योंकि सिक्योरिटी तुम देख रहे हो बहुत ज़्यादा टाइट है, तो अगर तुम लोगों को पता लग भी जाएगा तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। पिछले व्लॉग के अंदर इसी 7-Eleven ने तुम्हारे बाबा का दिल तोड़ा था। बियर? नो बियर? Two days they will not sell. आजा बेटा पानी पीते हैं और सो जाते हैं। आजा आज ना टूटे कम से वनडे तो दे ही दोगे यार। छोटी सी कॉफ़ी स्टॉल खुली हुई है और यहाँ पे डमी बता रही है यहाँ पे कॉफ़ी, ग्रीन टी, ये सब अच्छी मिलती है। मैं ऑलरेडी एक्सप्रेसो पी चुका हूँ सुबह, जो कि उसके बिना तो आँखें खुलती नहीं है मुझे, और टेस्टी एग्स। अभी मैंने कॉफ़ी पी थी और इतनी कॉफ़ी पीना ऑब्वियसली इज़ नॉट गुड, पर एक ही गंदी आदत है तो लॉन मखना। यो, इट्स गुड ऑन ओनली 30 baht। हेलो स्वादिका, बाय। आई लव द वॉचमैन मैन। मुझे ऐसे लोग पसंद है, मतलब विद पॉजिटिव एटीट्यूड, एनर्जी ऑल द टाइम। आई लाइक दोस काइंड ऑफ, दैट्स व्हाई मुझे भी पसंद है ऐसे कूदम कादी मचाना, एनर्जेटिक रहना, क्योंकि मुझे लोग भी ऐसे ही पसंद है आसपास। और इतना बढ़िया वॉचमैन हमेशा जब भी आ जा रहे हैं स्माइल और हेलो बाय जो भी कर रहा है वो कर रहा है, पर आई लाइक इट। होम स्वीट होम, हमारा प्यारा होम स्वीट होम। चप्पल डालो इधर। और भैया कॉफी विद द व्यू। हाँ जी, आज तो भैया डैमी की आज लंबी चौड़ी मीटिंग है, तो मैंने डैमी को अपना वर्किंग स्पेस जो भी है अभी वो छोटी सी वर्किंग स्पेस दे दी कि तू शाम तक वहाँ पे बैठी रहे और मस्त काम कर, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और मैं वहाँ पे आज डाइनिंग टेबल पे तुम्हारे बाबा को काम करना पड़ेगा क्योंकि भैया तुम्हारे बाबा को आज फ्रीलांस भी करना है। सुबह पहले मैं खत्म कर दूंगा, आज की छुट्टी है जैसे मैंने तुमको बताया, तो मैं जितनी जल्दी हो सके फ्रीलांस खत्म करता हूँ आज, और उसके बाद एडिटिंग करेंगे वाली। अभी मुझे जो इरिटेशन हो रही है वही हो रही है कि कपड़े अभी भी सूख रहे हैं, ये यहाँ से हटेंगे नहीं, मुझे पता नहीं है कब हटाएगी डैमी, या तो और मैं हटाऊंगा तो वो चिल्लाएगी कि अभी भी वो सूखे नहीं थे ये सब, तो इसलिए मैं छूता नहीं हूँ इस एरिया को। पर मुझे यार बालकनी खाली चाहिए, बालकनी लीक इसलिए है हम लोगों ने, इसलिए कि मैं यहाँ पे कभी भी आऊँ मस्त व्यू का मजा लूँ। मुझे तोड़ना देखना अपने चट्टी बनियान लटके हुए सामने।
तुम्हारा बाबा बनाएगा अपने अंडे, आई मीन अंडे। ओके। व्हाट ओके? मुझे लगता भैया आज तुम्हारे बाबा को अंडे खाने को नहीं मिलना है, तो ऑर्डर ही कराना पड़ेगा। समझ में नहीं आ रहा, यू फिगर आउट? ओके, तो मैंने उसको सिंपल सा फंडा बताया भैया, इंडियन फंडा या तुम्हारा बाबा का फंडा कह लो, जब कुछ चीज चले ना इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में तो सारे बटन दबा के देख लो, कुछ ना कुछ तो चल ही जाता है। इट वर्क्स राइट? अंडे तो हो चुके हैं ऑलमोस्ट रेडी, बट अंडे बनाते बनाते तुम्हारे बाबा को ध्यान आया कि मैं ऑरेंज जूस तो है नहीं, और ऑरेंज जूस मैं खरीदना भूल गया अंडे खरीदते टाइम। मतलब अब तो भैया ये जो दिमाग है ना, ये दिमाग इससे मुझे कुछ उम्मीदें ही नहीं बची हैं। हर चीज़ भूल जा रहा हूँ मैं आजकल, कुछ याद नहीं रह रहा मुझे, हर चीज़ भूल जा रहा हूँ। मतलब ये दिमाग से आप मुझे कोई उम्मीदें नहीं है मतलब। तो ये अभी अभी मुझे डैमी ने बताया कि हम इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ भूल गए, मतलब यार कैसे मेरे को तो यही सुना, और मेरे को भी याद अभी तक नहीं आया, डैमी ने मुझे याद दिलाया जब मैं काम कर रहा था। मतलब कैसे भूल सकता हूँ मैं इतनी इंपॉर्टेंट चीज, कैसे भूल सकते हैं हम लोग लिटरली। मतलब डैमी कैन यू होल्ड इट, कैन यू होल्ड इट शूट में, मतलब यार सीरियसली कैसे हुआ सीरियसली, कैन वी फॉरगेट दैट राइट? या आई एम ट्राई नाउ, सो स्टूपिड, या नो, बट नाउ आई हैव टू गो, आई हैव टू कॉल हिम एंड आई हैव टू लाइक वी फॉरगेट दैट, कैन वी कम एंड टेक इट? आई डोंट वांट टू, I don't want to call the landlord now, yaar. He kicked us out, think about it. And now I'm going to go, hello, sorry, can you give me that thing back? And it's important too, it's not even a small thing. Yeah. I don't want to go back. Back to where we started. Yeh lana bhool gaye. Matlab nahi hame yaad raha. और ना ही तुम लोगों ने कमेंट्स में कुछ बोला कि बाबा साइकिल लाना तो तुम भूल ही गए, मतलब दो दिनों से तीन दिनों से यहीं पे पड़ी हुई है, ना मेरे को ओनर ने कॉल किया ना कुछ, पर इट्स इम्पोर्टेंट। लेट्स गो, नाउ वी आर गोना कम टू दिस प्लेस अगेन। क्योंकि डैमी खूब सारे अंडे लेके साइकिल चला रही है। डैमी फूटे 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 फूटे, डैमी फूट गए अंडे, फूट गए डैमी गए अंडे, फूट गए फूट गए। आर एग्स आर सेफ, गुड जॉब। डैमी बचा के लाई है अंडे, तुम्हारा बाबा बचा के लाया है। इंस्टाग्राम पे फॉलो करता हूँ उन लोगों को ऑलरेडी पता हुआ होगा कि आज क्या हुआ था। कल रात को मेरे नाना जी की डेथ हो गई, अपन लोग लाइव स्ट्रीम कर रहे थे जब, तब मेरे पेरेंट्स ने काफ़ी कॉल करने की कोशिश करी मुझे, और डैमी भी सो गई थी लाइव स्ट्रीम के टाइम पे, तो डैमी को भी कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की, डैमी सो रही थी। और सुबह उठ के जब मैंने कॉल किया मम्मी को, तब मैंने मिस कॉल देखी, और मैंने जब ओपन किया व्हाट्सएप कॉल करने के लिए, तो मैंने प्रोफाइल पिक देखी मम्मी की जिसमें नाना की फ़ोटो थी प्रोफाइल पिक में, और मैं तभी समझ गया था कि क्या हुआ है। और मैंने कॉल किया, फिर मम्मी ने मुझे वो न्यूज़ दी, तब से भैया सुबह से आज ऑफिस में भी मैं काम वाम कुछ किया नहीं, केवल वीडियो कॉल में ही था मैं फैमिली के साथ, और जो भी पूरी सेरेमनी हुई जो भी हुआ वो सारा मैंने वीडियो कॉल पे देखा। मैंने ही नहीं, मेरे मामा भी अभी इंडिया में नहीं है, वो सऊदी में जॉब करते हैं, और वहाँ पे भी अभी कोविड की हालत ख़राब है, तो उस वजह से वो भी नहीं आ पाए फ़्लाइट लेके। बस यही कहूँगा यार, अगर तुम लोग अपनी फैमिली के साथ हो अभी और रहते हो अपनी फैमिली के साथ, क्लोज वंस के साथ, तो डोंट टेक इट एज़ ग्रांटेड, उनके साथ जितना टाइम हो सके स्पेंड करो, क्योंकि जब एक बार तुम लोग उनके साथ नहीं होते हो, जैसे कि मैं नहीं हूँ उनके साथ, तो तब वैल्यू पता लगती है इस चीज़ की। तो जितना हो सके उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो। वी गोना मिस यू अ लॉट नाना जी, मे योर सोल रेस्ट।